फूलों की क्यारियाँ कुछ जवाब मांगती है। जी हाँ, फूलों की क्यारियाँ कुछ जवाब मांगती है और जवाब ऐसी घटनाओं से जुड़े हुए हैं जो अब हर रोज़ डराती है। हाल ही का ताज़ा उदाहरण भीलवाड़ा का घटनाक्रम है। भीलवाड़ा की एक ऐसी घटना जिसने कि हर मन में गुस्सा उपजा दिया है, आक्रोश उपजा दिया है। वो आक्रोश प्रदेश भर में दिखाई दे रहा है, वो आक्रोश कल राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी दिखाई दिया। आज यहाँ सन्नाटा है, मगर सच मानिए, वो दर्द, वो डर, वो पीड़ा, वो आक्रोश, वो गुस्सा शायद कोई न कोई इन क्यारियों में बो गया। जी हाँ, कल का पूरा घटनाक्रम था, उसमें अलग अलग लोग अलग अलग तख्तियों के साथ आए थे। किसी ने एक तख्ती जिला कलेक्टर परिसर के सामने वाले इस छोटे से बगीचे में बो दी। उस पर एक सवाल लिखा हुआ, उस सवाल तक आऊँगा, मगर उससे पहले हमको अगर इसके आसपास का मैं देखूँ तो कुछ पौधे हैं, पौधों पर नन्हे नन्हे फूल हैं। यकीन मानिए, इस तख्ती के आसपास के फूल ऐसा लगता है कि वो हमारी नन्ही मुन्नी बहनें हैं जिनको अब इस डर और दर्द के साए में हर पल जीना पड़ रहा है। घटनाएं निकल कर आती है, कभी जोधपुर का जिक्र होता है, कभी जयपुर का जिक्र होता है। मणिपुर अपने आप में एक ऐसा विभत्स दृश्य लेकर आया था, तो जिक्र मावली का होता है जहाँ बहन बेटी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। तो भीलवाड़ा जहाँ एक मासूम को भट्टी में जला दिया जाता है, तो ये जो ये क्यारियाँ हैं, ये फूल यकीनन उन बहनों की तरह लगते हैं और ये फूल अब मुरझा रहे हैं, ये फूल बड़े होने से डर रहे हैं, ये फूल खिलने से डर रहे हैं, ये फूल डाली पर आने से डर रहे हैं। और यकीनन ऐसा लगता है कि इस आसपास तमाम फूल इस तख्ती के माध्यम से, एक तख्ती जो यहाँ कोई बो गया है, उस तख्ती के माध्यम से ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि कैसे रोका जाएगा इन बढ़ते बलात्कारों को। ये सोचना होगा सत्ता में बैठी सरकारों को, सरकारों को, किसी एक सरकार, सरकारों को और हर एक व्यक्ति को जो इस स्थिति में है कि इन चीज़ों को नियंत्रित किया जा सके। उनमें से हर एक की जिम्मेदारी है कि कम से कम अब ये फूल खुलकर खिल सके, ये बेटियाँ खुलकर जी सके, ये बहनें खुलकर जी सके। कल मैंने यहाँ कुछ छोटी छोटी बहनों से बातें की, वो गुस्से में थी, उनमें आक्रोश था, मगर उनकी आंखों में डर भी था, पीड़ा भी थी, और शब्द नहीं है उस पीड़ा को आप तक लाने के लिए। भीलवाड़ा का एक ऐसा घटनाक्रम, मतलब कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है और कोई इतना बेखौफ कैसे हो सकता है। आखिर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कानून बनाने की बातें करते हैं, हम गुनहगारों को सजा दिलाने की बातें करते हैं, हम इन घटनाक्रम को रोकने की बातें करते हैं, मगर हर चौथे दिन ऐसी कोई ना कोई खबर आती है जो उस डर को, उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस गुस्से को पुनः इस धरातल पर खड़ा कर देती है। और आम आदमी भी क्या करें, हम लोग भी क्या करें, ये आक्रोशित भीड़ भी क्या करें, इनको जब घटना सुनती है तो गुस्सा आता है, ज्ञापन होता है, आक्रोश होता है, गुस्से में यहाँ आकर नारेबाजी होती है, एक पीड़ा होती है और फिर चले जाते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि न्याय होगा, सिर्फ इस उम्मीद में कि दोषियों को सख्त सजा होगी और सिर्फ इस उम्मीद में कि ये घटनाएं रुकेगी। मगर आश्चर्य का विषय है कि चार दिन बाद फिर से ऐसे कुछ घटनाक्रम होते हैं, फिर से ऐसा ही आक्रोश होता है और फिर से ऐसे ही कुछ सवाल इन क्यारियों में उगे हुए दिखते हैं, फिर से ये क्यारियाँ मुरझाती सी नज़र आती है। मेरा सभी जिम्मेदारों से आग्रह है, इन फूलों को खिलने दीजिए, इन फूलों को खिलने दीजिए, इन सवालों को जवाब तक पहुंचाइए और एक ऐसे जवाब तक पहुंचाइए कि फिर किसी क्यारी में ये सवाल ना खिले। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।